जैसा भैया योगी को जानकारी न मोदी को जानकारी कि क्या उसमें आए है क्या व्यय है। कहा था कि लखनऊ मुझ पर फिदाए मैं फिदाए लखनऊ। आखिर में चुनाव लड़े अटल ने, चाहते तो उत्तराधिकारी लिखा लेते अटल से और बनी बनाई पार्टी पर अलग पार्टी बनाकर मोदी और योगी की औकात हो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर दिखाए, बना के पंडित जी की छोड़ दे पार्टी। दवाई दी जाएगी 24 के बाद क्या है, मुझे दवाई दे और क्या योगी की औकात है, कह दो योगी और मोदी से पंडित जी तुम्हारा विकल्प बनकर आ रहे हैं। कर्जा अगर हो गया है तो उस चीज का मेरा ये आंसर दे दे, मैं मान जाऊंगा भाई साहब के वाकई बहुत सही बात बोल रहे हैं। अभी अपने भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उस 20 कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बता दे जो ग्रोथ रेट भारत से आगे हो, और उस कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बताएं जो दर महंगाई भारत से कम हो। चैलेंज कर रहा हूं, बता दे। मैं अगर 1 करोड़ रुपए उधार ले लूं और अपने आप को करोड़पति साबित कर दूं, मैं अपने आप रुक जाओ यार रुक जाओ, अगर मैं 1 करोड़ रुपए उधार ले लूं अपने पड़ोसी से और मैं अपने आप को गिनाऊं मैं करोड़पति हूं, तो ये नाइंसाफी होगी ना। उसी तरह हमारे देश की दुर्भाग्य है कि उधार ला रहे हैं और अपने देश की जीडीपी बता रहे हैं। अच्छा जीडीपी से आप जीडीपी क्या कितनी है और उधार कितना ये बता दीजिए। अभी जो है सुन लो है, वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ लिखता के नहीं ज्ञान की बात करने लगते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का और राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं ऊपर भक्तों का कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, काम करती गोबर भक्तों पे। दवाई की बात गोबर भक्तों पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ मोदी को हराने लेको मैं कला पैदा नहीं हुआ। इसीलिए गोबर भक्त है ना। मोदी एडीएम खत्म कर दे उसकी औकात की था एडीएम नहीं, आप खत्म हो जाएंगे तब भी भाजपा ही आएगी, परेशान मत होइए। जो किसान वहाँ पर है धरना दे रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार उनको रोक रही है, कितना आपको लगता है कि किसान अपनी मांग को इस बार 2024 के पहले मंगवा पाएंगे या फिर वापस लौट जाएंगे? एक निवेदन करने पहले, सरकार ने पहले 800 किसानों हत्या कराई थी, मर्डर कराए थे 70 सरकार ने, केवल देश में दहशत फैलाने के लिए, किसान डर जाएं दब जाएं, लेकिन नहीं दबे। आखिर प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, वो सही थे तो दोबारा सही है, आज दोबारा आ रहे हैं तो वो तुम आतंकवादी हो, तुम जो नक्सलाइट हो, तुम देशद्रोही हो, तुम कांग्रेस गुंडे हो, ये अच्छी बात है किसान से कहने के लिए, जो देश को पाल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, खेत में लगा हुआ है, उसको आप ऐसी बात करो, तुमको मतलब सरकार को बुलाना चाहिए भाई बताइए क्या परेशानी है। जबकि भाजपा ने ये कहा चुनाव से पहले कि हम किसान सुखी जब समझेंगे, जब किसान का बेटा आईएएस छोड़ करके किसानी करेगा तब, कि ऐसे किसानी करेगा 800 किसान मरकर किसानी करेगा, वो तो भागे गए यहाँ से। तो सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए, देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, मानवतंत्र है, यहाँ पर बुलाए सरकार किसानों को, पूछे क्या समस्या है। सर जो बोल रहे हैं, पहली बात तो इन्हें किसान का मतलब नहीं पता, इस समय कौन सी फसल चल रही, गेहूं की फसल चल रही है, गेहूं की फसल में पानी उर्वरक सबकी ज़रूरत पड़ती है, जिस किसान को अपने खेत में सिंचाई करनी है, जिस किसान को अपने खेत में खाद डालनी है, वो आके यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट करेगा, जिसको खेत में काम है ट्रैक्टर का, वो ट्रैक्टर लेके यहाँ कूच करेगा। सुनिए मैं एक बार बताऊँ, ये लखनऊ जो है दिल्ली से बहुत छोटा है, अगर यहाँ पर अभी जाम लगता है, हजरतगंज चौराहे पे जाम लगता है, दिल्ली का क्या है कि एक आदमी के नाम पर 3-3 गाड़ियां हैं, जो वहां का एक एवरेज रेट है, वहां अगर ट्रैक्टर घुसाएंगे तो क्या हालत होगी। देश की राजधानी है जहां संयम बनाए रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, उसके लिए अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए दिया गया है एरिया कि आप वहां जाकर आप प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली कूच करूँगा, मैं जाके लाल किला पर खालिस्तान का झंडा फहराऊंगा, तिरंगा को नीचे गिराऊंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। देखो सीधी सी बात है, इसमें आप पर UAPA लगेगा, NSA लगेगा और आपको खालिस्तानी बोला जाएगा, जैसे सभी खालिस्तानी का हालत हुआ वैसे हुआ। आप MSP मांग लगे, हरियाणा में MSP लागू नहीं है क्या, UP में लागू नहीं है क्या, UP में भी गेहूं का दाम वही मिलता है 2188, हरियाणा में 2150 मिल तो रहा है MSP, लेकिन नहीं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने 2014 से पहले कभी मांगने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी 2004 में, साल तक आपने क्यों नहीं विरोध किया, क्योंकि आप कांग्रेस ही थे, कांग्रेस सरकार थी, आपने 2014 तक लागू नहीं करा पाया। जब सरकार कह रही, सरकार ने सम्मान निधि दी, उसके बाद सरकार आय को दुगुना कर, 2014 में गेहूँ की कमी कीमत कितनी थी 1244 रुपए थी, आज कितनी हो गई है 2188 हो गई है, दोगुनी हुई कि नहीं हुई? दोगुनी से पहले डीजल क्या रेट था, 70 रुपये, ठीक है, आज 90 रुपये, 20 रुपये का अंतर डीजल में हुआ, लेकिन गेहूं दोगुना हुआ, हर चीज़ दोगुनी हो गई, सरसों आज 7500 में है, ठीक है, लेकिन पहले क्या सरसों थी, पहले 3000 में सरसों थी, आज 7500 में है,
लोग रेट नहीं देख रहे हैं, लोग सिर्फ जो पैसा फंडेड किसान है हमारे यहाँ के किसान, हम यहाँ बहस नहीं करने आएंगे। हमारे किसान जो सजियार है, हमारे जो खेत बटाई करते हैं, वो खेतों में लगे पड़े हैं, वहाँ पर देख रहे हैं, सुलाई कर रहे हैं। किसान को फुर्सत नहीं है, किसान को तो फुर्सत ही नहीं है, किसान को फुर्सत नहीं है। मैं मेरठ से हूँ और हमारा जो किसान क्षेत्र है पूरा फुर्सत ही नहीं है काम से। अब कहीं गेहूं की बुआई है, ये है वो है, ईंख की कटाई है, पर्ची आ रही है रोज। मतलब आपका कहना है जो वहां पर किसान है, जो वहां पर लोग धरना दे रहे हैं, अपनी मांग मंगवा रहे हैं, जानकारी है नहीं, वो किसान नहीं है भैया, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई वो किसान नहीं है, सच बता दें आपको। अगर आप ईमानदार पत्रकार है तो पूरी डिबेट चलनी चाहिए। वो वहाँ पे जितने भेजे हुए सब कांग्रेस के चमचे हैं, एजेंट है वहाँ पे पूरी तरीके से। उनके बाद राहुल गांधी सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने था। हम निकाली न्याय यात्रा 2040 में आएगी, कांग्रेस खोजो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। खोजेंगे कहाँ पे, गई कांग्रेस गई कहाँ पे। और राहुल गांधी जी पूरी तरीके से दंगा फैलाने की पूरी पूरी तैयारी में है। जीतेंगे तो है नहीं इलेक्शन, उनको पता है गठबंधन पूरी तरीके से इनका छितिर बितिर हो गया है। अब ये सोच रहे हैं कि किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाने काम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं, हर तरीके से किसान को बदनाम कर रहे हैं। और किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि आपके जितने भी किसानों की रहेगी आय दो गुना कर देंगे। गेहूं कितने में था पहले 2014 से पहले 8 रुपए 9 रुपए में खरीदा जाता था, उसको स्टॉक में रख के सड़ाया जाता था, बड़े बड़े जितने लोग थे उनको दिया जाता था बियर बनाने के लिए। अब क्या है 18 रुपए में 17 रुपए में गेहूं खरीदा जा रहा है किसान से। आपने खेती किया है, बोल रहे थे भैया आप किसान नहीं है, खेती आपको नहीं मालूम है, आप क्या कैसे देखते हैं। पहले ये बता रहे किसानों के बारे में, किसान कितना आत्महत्या कर रहा है पता है, हजारों किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, अगर वो परेशान नहीं है बता आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे गुंडे वुंडे, वहाँ कौन जाएगा, वहाँ पर किसान गुंडा हो सकता है, कभी हो नहीं सकता नहीं। असल बात एक और इस नहीं, आत्महत्या क्यों कर रहा है किसान बताइए, अरे उसको परेशानी नहीं है इसीलिए। अगर किसान परेशान नहीं है तो आत्महत्या क्यों कर रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं खो जाएगी, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कांग्रेस खो जाएगी, किस दम पे कह रहे मान में, ये कह रहे हैं ईवीएम दम पर कह रहे हैं, ईवीएम और सीईसी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और ईवीएम दम पर कह रहे हैं कि किसान कांग्रेस खो जाएगी, किस खो जाएगी कांग्रेस, कौन कौन होते हैं, क्या सारे वोटर के हाथ में है क्या। लेकिन ये जो कह रहे हैं वो दम भर रहे हैं केवल ईवीएम और सीईसी। बता दूं मैं आपको राजनीति में खड़गे जी भी उन्होंने भी बोला सदन में, जानते क्या कि आपके बार भाजपा 400 पार, वो खुद चाह रहे हैं कि भाजपा हमको बुला ले। खड़गे जी 400 पार का नारा लगाया है, 400 पार का नारा अंदर कर दिया। आपको जानकारी है कि नहीं है, न्यूज आप न्यूज में देखे, अरे आपको ना देखे, जिस पार्टी में परिवारवाद होगा उसका खाते देखे, पहले आप हमारी बात बता रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, फिर आप न्यूज देख के आइए तब हमसे बात करिए। आप किस न्यूज में देखिए, अरे हम आपको बता रहे, आप देखिएगा अभी शाम को, परिवारवाद जिस पार्टी में होगा सुन लीजिए वो पार्टी खत्म होगी। और कांग्रेस की जो ये दशा हुई है कि बेटा अगर है तो जो है बाप है तो बेटा भी बनेगा, बेटा है तो बहू बनेगी, बाकी बाहर का आदमी नहीं बनेगा। और जिस पार्टी में ये मेरी नहीं, आप मुझे ना फसाइए, मैं आपको खुद फंसा रहा हूँ, हमें ना फंसाइए। जिस पार्टी में जिस दल में परिवारवाद होगा वहां उस पार्टी का यही हाल हो। और अभी आपको बता रहा हूँ, अभी कहा जैसे हमारे भाई ने बताया कि पार्टी तोड़ मतलब जोड़ने का और तोड़ने का, ये अभी एक अभी आएगा कि कांग्रेस खोज पार्टी ढूंढेंगे कि कहां गई कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। ये बताइए सरकार किसानों की मांग क्यों नहीं सुन रही है, तो वो किसान कहां है, वो नहीं वो किसान कहां है, किसान नहीं है वो, अरे भैया वो किसान आदमी अपने खेतों में 24 में आ रही है, किसी उसको रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी पीएम बनेंगे, नरेंद्र मोदी ईवीएम केवल खत्म कर देना। जो भाजपा का विरोध करेगा वो किसान नहीं है, वो देश का वो राष्ट्रभक्त नहीं है, और जो विरोध करेगा वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, नक्सलाइट है, और जो है बहुत सारी मतलब अपराधी है। वो जो विरोध करेगा बीजेपी का वो यही है, अपराधी है, गुंडा है कांग्रेस का, ठीक है, और जो भेजा हुआ है आतंकवादी है, खालिस्तानी है। जो जहाँ जहाँ सिक्किम एक्ट नहीं है, मेरी
बात सुन लीजिए, बिहार में सिमी एक हजार बीघा वाला, वो बड़े किसान वहाँ गए, अब छोटे किसान जाने वाले हैं। सब कांग्रेस के बदला रहे हैं, जैसे आप यहाँ टाइल बताइए, गन्ना का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है, छह महीना साल। अरे यार मिल रहा है, आप लोग सब मिल रहा है। आप जैसे ईमानदार पत्रकार लोग हैं जो जनता को भरोसा रह गया है, बाकी तो पत्रकारों को भरोसा ही नहीं रह गया हमको। तो भाई साहब सीधी बात है, ईमानदार पत्रकार लग रहे हो, डिबेट पूरा। आप जो है गोदी मीडिया है, आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जैसा नेता ना हुआ है ना होगा। अच्छा गोदी मीडिया की परिभाषा क्या होती है? गोदी मीडिया आप वही बता रहे, आप जो मोदी जी काम कर रहे हो आपको नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचार खत्म है और 2024 में जो कमी रह गई है ना वो पूरी होगी 24 के बाद। जितने भ्रष्टाचारी है दुराचारी है सबकी जाँच होगी। आपको मालूम है कांग्रेस ने 70 साल लूटा है, 70 नहीं 49 साल। हाँ वही बता रहे, कितना लूटा है, घर का ही बनेगा, बाहर का कोई बनेगा नहीं। और आज जितने कांग्रेसी है उनकी भी यही सोच है कि वो आपकी लड़ाई, आप क्यों इतने कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का क्या, कांग्रेस ने दिया क्या है बताइए, कांग्रेस क्या दिया है? सत्ता में नहीं है, कांग्रेस ने दिया ना भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कांग्रेस ने की। अभी जो प्रेजेंट में मुद्दा चल रहा है वो किसानों का चल रहा है, हैं? अभी किसी भाई ने कहा पेमेंट का, हैं? एक हफ्ते से पहले पेमेंट आता है, गन्ने का पेमेंट एक हफ्ते से पहले आ जाता है, समय से मिल पेमेंट कर दिया, समय से मिल पर्ची दे रही है, एक एक चीज। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, गवर्नमेंट का इंफ्रा देख लो, आप लॉ एंड ऑर्डर देख लो, किस चीज में अगर इतनी खराब गवर्नमेंट है तो लोग बाग जुड़ते क्यों जा रहे हैं, पार्टियां जुड़ क्यों रही है? अरे आप बताइए क्यों जीत रही है? ईवीएम से ईवीएम और चुनाव आयुक्त जो सीसी है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो बनाए, और देखो उन्होंने राज्यसभा भेजा एक को बनाया, उसमें भेजा गवर्नर बनाया गोवा का। ये क्या काम जी, काम बोला मोदी जी का, काम बोला। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा था दो, सुन लीजिए, आपने जैसे कहा था रोजगार की बात, क्या बोल रहे हैं? मंदिर भी सुंदर परिषद ने बनवाया, ताला खोलने के लिए राजीव गांधी को विवश कर दिया, मजबूर में ताले खोल। अरे मैं वही था, ठीक है तेरी उम्र भी नहीं होगी, तू क्या बात करेगा? हाँ विश्वेंद्र परिषद 10 साल और अयोध्या है। अच्छा क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? सीतापुर जिले के बजुल्लागंज में रहते हैं भाई। तो वहाँ पर आप साक्षात देखे थे? साक्षात सब कुछ देखते रहे, परिवार सहित रहे, सवा 6 साल स्टेशन के बाहर चौथी दुकान, ठाकरे और कल्याण सिंह दो की वहाँ जय जयकार होती थी, मस्जिद तोड़ने वाले बाल ठाकरे, विश्व सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने का आदेश नहीं दिया था, मस्जिद तोड़ने के लिए कौन बाल ठाकरे आ गया है, शिवसेना। ये सब तो हो गया, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, किसानों की बात पे आए चाचा, आप किसान हैं, खेती वगैरह किए? अरे मेरे बाप किसान, मैं अब यहाँ हूँ तो हमारे भाई अब भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो किसानी के बारे में मुझे पूरी जानकारी, जैसा भैया मोदी को जानकारी ना, मोदी को जानकारी कि क्या उसमें आए है क्या व्यय है। नहीं किसान जैसा सर बोल रहे हैं, भाई साहब लोग बोल रहे हैं किसान बहुत खुश है वहाँ पर जो गए गोदी मीडिया, तो ये भी सब बिके हुए पार्टी के बिकाऊ नेता है। मुझसे पूछो, मैं पार्टी विरोधी भी नहीं हूँ, मैं कहता किसी पार्टी का मुरीद नहीं, पार्टी विरोधी नहीं हूँ। तो लेकिन मोदी सच्चे देशभक्त नहीं, भाजपा के सामने कह दिया, हजारों लोगों ने कह दिया सच्चा देशभक्त कैसा होगा, तो यार पॉलिसी करने वाले और क्या है ये? अटल ने कहा था कि लखनऊ मुझ पर फिदा है, मैं फिदा है लखनऊ, आखिर में चुनाव लड़े अटल ने, चाहते तो उत्तराधिकारी लिखा लेते अटल से, और बनी बनाई पार्टी पर अलग पार्टी बनाकर मोदी और योगी की औकात हो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर दिखाए, बना के पंडित जी की छोड़ दे पार्टी, दवाई दी जाएगी 24 के बाद, क्या है मुझे दवाई दे, और क्या योगी की औकात है, कह दो योगी और मोदी से पंडित जी तुम्हारा विकल्प बनकर आ रहे हैं। तो विरोधी लोग क्यों जुड़ रहे हैं, विरोधी पार्टी क्यों आ रही है अगर इतने बुरा खराब काम कर रहे हैं? कौन मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं उसको भी बखान करता हूँ, और जितनी गलती कर रहे हैं उसका भी बखान करता हूँ। हमने कहा सच्चा देश भक्त, ने कहा सच्चा देश भक्त कैसा होता है, भाजपा के लोग सब आ गए हजारों, तो हमने कहा सच्चा देश भक्त होगा या अपनी जीत के लिए जनता को झूठे आश्वासन नहीं करेगा। अच्छा राष्ट्रभक्त और देशभक्त में क्या अंतर होता है? राष्ट्र न लगा लो उसमें, देश को लगा लो, राष्ट्र कहाँ से आ गया राष्ट्रवाद, जैसा किसानों की बात हो रही है, राष्ट्र के पीछे धृतराष्ट्र भी खड़े हो जाते हैं।
अंकल ये आप गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं, 435 वर्ष पीछे चार चौपाई सुना दें आपको, सुनाई देखिए। ये जन्मे कलिकाल कराला, कराल कलयुग का रूप लेकर जन्मे, करतब बायस भेष मराला। बायस कौवे को कहते हैं और मराल हंस को कहते हैं, भेष हंस के तरह है नेताओं का और करतब काले कौवे के तरह है। फिर दूसरी चौपाई क्या है, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कुपंथ के पति कहें और कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट के बहुत बड़े कलाकार हैं, राज देने की सोच कपट कराकर जनता को मूर्ख बनाकर कैसे हम राज हासिल करें, यही राजनीति है। तो न राजा रहे न नीति रही, ये राजनीति कहाँ से आ गई? जनता तो पढ़ी लिखी है, जनता पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं, झूठे आश्वासनों में फंस जाती है। अरे मैं भाजपा से कहते तो मैं जनता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। आप जनता नहीं, आप जानते हैं। जानता है कल सबकी कपट कहानी जानता हूँ, कपट नहीं करता हूँ, ठग नहीं। इसलिए देखो मेरे पास क्या लगा, ठगों से सावधान। इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, ठगों से सावधान। ठग कौन है ये आपने, ये दादा इन्होंने लिखा है यूट्यूब के ठगों से सावधान, संपर्क करें और इसको मोबाइल नंबर लिखा है। ये 7-7 लाख मिल गया हिंदुस्तान मोदी साहब, कितने ठगा है देखो, पूरा देश राम में हो गया। ऐसी राम में नहीं, राम को मोदी योगी की क्षमता क्या ला ले, राम को लाने वाले दशरथ जी ने मनु ने तपस्या करके हजारों वर्ष, ये मंदिर बनवाने से अगर राम आ जाते, मूर्ति रखने से राम आ जाते, तो राजा लोग राज छोड़ करके और तपस्या करने जंगलों में नहीं जाते। तो इससे पहले किसी ने प्रयास क्यों नहीं किया, इससे पहले प्रयास क्यों नहीं हुआ?